हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। और अभी है इवनिंग का टाइम और ये देखिए मैं सो के उठी थी और फेस वॉश वगैरह करके आई हूँ और अभी मैं बाल को सही कर लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने, शाम के टाइम जो दीयावत्ती होती है वो सब। तो यहाँ पर अर्पित अभी सो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए ब्लैंकेट अभी पड़ा हुआ है तो उसको पतला सा ब्लैंकेट मैंने डाल दिया है। लेकिन बार बार ना वो क्या करता है, हटा देता है तो मैं बार बार दे रही हूँ। और उतना मतलब क्या, मैं भी सो रही थी यहाँ पर और अभी ठंडी भी लग रही है मुझे, मैंने अभी तक स्वेटर भी नहीं पहना है। और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी 1 जनवरी ही है, इवनिंग का टाइम है और मॉर्निंग का जो वीडियो है मेरा चला गया है और उसको एडिट पब्लिश करके फिर मैं सो गई थी। उसके बाद ही अभी जाके देखिए मैं रेडी हो रही हूँ और तेल बहुत दिन से नहीं लगाया था मैंने बाल पे, तो अभी मैंने तेल लगा लिया बहुत सारा। अभी बाल को भी मैं जूड़ा बना लूँगी ऊपर करके। और फिर ज़्यादातर मैं ऐसे ही बाल को बनाती हूँ क्योंकि बाल अगर खुला रहता है ना तो खाना वाना बनाती हूँ अच्छा नहीं लगता। अगर थोड़ा सा भी एक दो बाल कभी गिर भी जाए तो अच्छा नहीं लगता खाने में अगर बाल आ जाए, तो इस वजह से मैं बाल को बना ही लेती हूँ हमेशा। और ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, बस थोड़ा सा मैं मॉइस्चर लगाई हूँ और अभी लिप बाम भी लगा लूँगी क्योंकि विंटर का टाइम है ना, अगर लिप बाम नहीं लगाएंगे तो लिप का जो हाल होगा होंठ का तो देखने लायक नहीं होगा। तो इस टाइम पे अभी लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने लिप बाम भी लगा लिया है, अभी जाऊंगी मैं दीयावत्ती कर लूँगी। और हस्बैंड उधर कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो छुट्टी हो या फिर कोई भी दिन हो, संडे या फिर कुछ छुट्टी का दिन हो, उनका तो काम रहता ही है। तो देखिए मैं दीयावत्ती करके फिर स्वेटर पहन के आ गई हूँ और अभी मैं यहाँ पर जो बर्तन है वो सब मैं धुल लेती हूँ। बर्तन पहले ही मैं धो लेती लेकिन क्या हुआ, पानी नहीं था नल में तो इस वजह से बर्तन वगैरह पड़ा हुआ है, नहीं तो मैं खाना हो जाता है, लंच वगैरह हो जाता है, उसके बाद ही बर्तन को धो लेती हूँ। कभी कभी बहुत आलस होता है तब भी मैं रखती हूँ बर्तन वगैरह, नहीं तो नहीं रखती, अच्छा नहीं लगता घर में झूठा बर्तन रहे। तो ये देखिए मैं बर्तन को अभी धो लेती हूँ और बहुत सारा बर्तन हो गया था, सुबह चाय का भी है देखिए यहाँ पर। तो लंच किया उसके बाद मैंने सोचा कि चलो लंच कर लेंगे, उसके बाद जो बर्तन है थोड़ा बहुत वो भी धुल लेंगे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हुआ, लंच के बाद पानी ही नहीं था तो बर्तन धुले नहीं हैं, बहुत सारा ढेर सारा बर्तन हो गया है। तो मैं दो बार करके एक बार मांज के फिर मैं पानी से वॉश कर लूँगी, उसके बाद जो नीचे और भी बर्तन है कढ़ाई वगैरह वो सब मैं धुल लूँगी। तो धोने के बाद फिर मैं बर्तन को जमा के फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट बर्तन को धो लेती हूँ। और ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज है 1 जनवरी, तो आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। आप सबकी नए साल बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत सारी मतलब जो खुशियां हैं वो सभी खुशियां सबको मिल जाए इस साल, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। तो इस साल मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, मैं सो के उठी हूँ, अर्पित अभी तक सो रहा है यहाँ पर, और मैं रेडी हो गई हूँ और जो भी मतलब पूजा वगैरह करना था ना वो सब किया। फिर जाके मैं बर्तन धोई तो ढेर सारा बर्तन था, क्योंकि दोपहर से मतलब लंच जब से किया है ना तब से पानी नहीं था, तो बर्तन एक भी साफ़ नहीं किया था मैंने। तो अभी अभी मैंने बर्तन को साफ़ किया और आज अभी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। तो डिनर में आज कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब्जी बचा हुआ है। दिन में चिकन बनाई थी तो चिकन करी रखा हुआ है और सब्जी भी रखा हुआ है, तो अभी बनाऊँगी मैं सिर्फ रोटी और कुछ नहीं। आज एकदम सिंपल सा खाना बनाएंगे क्योंकि दोपहर में बहुत सारा खाना खा लिए थे। सब्जी बनाई थी जो बंगाली का फेमस फेमस जो भी सब्जी होता है ना वो सब, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया था। तो जो मेरा मॉर्निंग का मतलब आज मेरा जो ब्लॉग गया है वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तक का था, ब्रेकफास्ट नहीं चाय का था, चाय तक का था। तो उस ब्लॉग में मैंने कोई रेसिपी ऐड नहीं किया है क्योंकि अगर रेसिपी ऐड करती ना तो बहुत लंबा हो जाता, इस वजह से मैंने वो शूट नहीं किया और ऐड भी नहीं किया है। तो चलिए एडिटिंग की पब्लिश्ड की वीडियो को, फिर सो गई थी और सो के उठे थे और उठ के मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ और अभी बज रहा है 7:45। वो देखिए, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, डिनर बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड तो घर में ही है और डिनर बना लूँगी, सिर्फ रोटी बनाना है इसलिए इतना जल्दी नहीं है। अर्पित को उठाऊँगी और अर्पित अगर कुछ खाना चाहे तो खिला दूँगी। लेट करके हम लोगों ने आज लंच किया, हम लोगों ने नहीं अर्पित ने लेट करके लंच किया आज, क्योंकि सुबह हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था उसका, तो लंच उसने लेट करके किया है। इस वजह से देखिए लेट करके सो भी गया, क्योंकि जब तक मैं एडिट कर रही थी ना वीडियो तब तक वो देख रहा था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, सोया नहीं था। फिर मैंने वीडियो को पब्लिश किया उसके बाद जाके वो सोया है। तो चलिए आज मेरा वीडियो लेट करके गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और आगे 2 बजे ही जाएगा मेरा वीडियो। मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगी कि 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक वीडियो मेरा चला जाए और आप लोग आराम से वीडियो देखो, क्योंकि आप लोग ही चाहते हो कि लंच करने के बाद ही आप लोग के पास वीडियो जाए मेरा, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख पाते हो। इस वजह से मैं कोशिश करूँगी उसी टाइम पे देने की। कभी कभी हो जाता है लेट क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, एक बच्चा है ना तो परेशान करता है तो होता नहीं है। तो चलिए अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, डिनर बनाऊँगी, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सोच रही थी मैं डिनर बना लूँगी एक बार में ही, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। डिनर मतलब सिर्फ रोटी बनानी है और सब्जी वगैरह तो है ही, मैंने आप लोग को बताया। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज घर में है और आज 1 जनवरी है और इवनिंग का टाइम है और ऊपर से ठंडी का मौसम है तो पकोड़ा तो बनना चाहिए ना। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, आज दिन में लंच में बहुत हेवी लंच हुआ था तो मैंने बोला कि आज नहीं खाना है, लेकिन उनको खाना था तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं प्याज के पकोड़े बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ और ये जो चॉपर है ना इससे इतना अच्छा मतलब बहुत काम आसान हो जाता है। प्याज काटने में आँख में आंसू आता है ये सब होता है, लेकिन प्याज को काटना नहीं पड़ता है, आंसू भी नहीं आता है। बहुत फटाफट अगर कुछ सब्जी का भी अगर पकोड़े वगैरह बनाना है ना तो थोड़ा छोटा छोटा करके इसमें डाल देना है। और मेरा जो ये चॉपर है छोटा साइज का है, इसका बड़ा भी आता है, तो अगर आपके फैमिली बहुत बड़ा है तो आप बड़ा साइज का ले सकते हो, ऑनलाइन में इजीली मिल जाता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, तो आप लोग ये ले सकते हो, बहुत ही आसान हो जाएगा काम। तो यहाँ पर देखिए
मैंने चॉप कर लिया है प्याज को। यहाँ पर मैंने दो प्याज लिया था, छोटा छोटा ही था तो दो प्याज लिया था। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ बेसन, और उसके साथ मैं डालूँगी यहाँ पर कलौंजी। थोड़ा सा कलौंजी डालने से, अगर जब पकोड़े खाते हैं ना तो कलौंजी मुँह में आता है, बहुत टेस्टी लगता है, तो कलौंजी मैंने डाला। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर डाला है, आप लोग चाहे तो गरम मसाला जो होता है वो भी डाल सकते हो, जो भी मसाला आपको पसंद आता है मसाले का फ्लेवर वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने, और यहाँ से मैंने नमक लिया है, क्योंकि नमक जो है हमारा नहीं था इस टाइम घर में, और वो नमक मैंने केक बनाया था ना तो नीचे जो डाला जाता है नमक वही वाला नमक है, उसको मैंने एक देखिए रख दिया है ढक के, तो वही वाला नमक आज मेरा काम आ रहा है। लंच तक का नमक था लेकिन उसके बाद नहीं था, तो मेरे हस्बैंड आज निकले भी नहीं थे बाहर, इस वजह से नमक नहीं लाए, तो कल लाएंगे सुबह सुबह। तो ये देखिए मैंने उसी नमक से मैंने काम चला लिया है। अभी मैं पकोड़े तल लूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी और थोड़ा सा टाइट डो बनाऊँगी, तो क्या होता है पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और अभी मैंने कोई मिर्च वगैरह ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा मैं रख लूँगी, उसके बाद अर्पित के लिए थोड़ा दो चार निकाल लूँगी, उसके बाद हम लोग के लिए यहाँ पर मैं मिर्च ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च मैं निकाल के रखी हूँ, और अर्पित अभी सो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया, और अभी भी सो रहा है वो, अभी जगा नहीं है। तो पकोड़े जैसे ही बन जाएगा वो जग जाएगा। टमेटो सॉस के साथ वो पसंद करता है बहुत, तो क्या करती हूँ मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, क्योंकि अर्पित खाने के लिए ज़िद करता है, और बच्चे को ये सब तला हुआ चीज़ ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तो इस वजह से हम लोग भी उतना खाते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी बनाना क्या मन करता है, खाने का मन करता है तो बना लेती हूँ। और अभी सो रहा था तो मैं चाहती तो नहीं दे सकती थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता अगर बच्चा नहीं खाएगा ना कुछ चीज़, तो माँ तो खा ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से मैं अर्पित को पहले उसके लिए थोड़ा सा देखिए मैं निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इसमें मिर्च, देखिए हस्बैंड को मैंने बुलाया कि इसमें मिर्च को काट दीजिए, तो वो कैंची से देखिए कट के मुझे दे रहा है, और बोल रहे थे कि ज़्यादा तीखा मत डालो, लेकिन मैं बोल रही थी पूरा जितना मिर्च है यहाँ पर सभी डाल दीजिए, तो बोल रहा है कि मैं नहीं खा पाऊँगा, वो ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं करते हैं और मुझे तीखा बहुत पसंद है, वही सब बोल रहे थे। और यहाँ पर देखिए वो किचन में आ गया है और मुझे कुछ बात बोल रहे थे, बहुत मतलब ऐसे ही करते हैं, बहुत जोक करते हैं मेरे साथ, मेरा दिल लगा रहता है इस बात से कि जब भी वो घर में होते हैं ना तो बस मजाक हंसी ऐसा ही होता ही रहता है हमारा, और बहुत अच्छा लगता है, काम बहुत इजी हो जाता है अगर कोई बात करते रहते हैं ना किचन में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ बात कर रहे थे लेकिन मैं वो बात रख सकती थी, लेकिन क्या हुआ हमारे घर में गाना बज रहा था, वो सुबह से गाना लगा के रखे थे तो गाना बज रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर वॉइस को म्यूट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो मैं रखती, वो क्या क्या बोल रहे थे मुझे, आप लोग भी हंसते। तो ये देखिए वो मैंने तल लिया है, और अभी हमारे लिए तल लेती हूँ, और उसके बाद हम लोग खाएंगे ये, और देखती हूँ चाय के साथ खाती हूँ या फिर ऐसे ही सॉस डाल के खाऊँगी। तो ये देखिए पकोड़े और पापड़ सब रेडी है, अब हम लोग खाएंगे, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।